राज्यसभा के सदस्य और बीजेपी के वरिष्ठ नेता दीपक प्रकाश ने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को न्याय यात्रा निकालने से पहले पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस राज्य में भ्रष्टाचार की नई कहानी लिखी है। दीपक प्रकाश आवास पर कई लोगों से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन का अबुआ आवास बबुआ आवास साबित होने वाला है। जिन्होंने झारखंड आंदोलन को बेचने का काम किया, जब सत्ता उनके हाथ में आई तो यहां घोटालों का राज स्थापित करने वाला अगर कोई एक राजनीतिक दल है तो उसका नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। की गाढ़ी कमाई को लूटने वाला अगर एक राजनीतिक दल और सत्ताधारी दल का नाम है तो उसका नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और इस प्रकार की बातें जनता को दिभ्रमित करने के लिए कि न्याय यात्रा, जिन्होंने 3.5 करोड़ जनता के साथ अन्याय किया है, वो न्याय यात्रा निकालना एक हास्यास्पद, हम कह सकते हैं, घटना है। अबुआ आवास बबुआ आवास निकलेगा। आज तक हेमंत सोरेन की सरकार जो थी और पार्ट टू की जो सरकार है, हेमंत सोरेन की पार्ट टू वाली सरकार, दोनों भ्रष्टाचार युक्त है और विकास मुक्त है। यहां आदिवासी परेशान है, दलित परेशान है, गरीब पर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।